नमस्कार दोस्तों, आप लोग के लिए महत्वपूर्ण जानकारी लेके उपस्थित हूँ। दोस्तों, चीन की ओर से एक आधिकारिक बयान आया है जो भारत के लिए है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, और आप लोग को जानकर शायद आश्चर्य होगा। आप लोग सोचेंगे भाई कि चीन ऐसे कैसे बोल सकता है। दोस्तों, चीन को पहली बार अपना गलती का एहसास हुआ है और पहली बार भारत के समर्थन में बहुत बड़ा बात बोल दिया है, जो सब भारतीय के लिए दोस्तों जानना बहुत जरूरी है। चीन के उप विदेश मंत्री ने क्या कहा है उसके बारे में मैं बाद में बात करूंगा। दोस्तों, उससे पहले आप लोगों को एक महत्वपूर्ण जानकारी मैं दे दूं। तो क्या सचमुच में चीन आज भारत के कदमों में झुक गया है? चीन को अपनी गलती का एहसास हो चुका है? जी हाँ दोस्तों, चीन ने अब तक जो काली करतूत करते आया है, पिछले समय में जितना वो गलती किया है, सबका शर्मिंदगी चीन आज झेल रहा है। और चीन को एहसास हो चुका है कि आज पूरे दुनिया चीन के विरोधी हो चुका है। दोस्तों, पूरे दुनिया में आज चीन का थूथू हो रहा है, और खासतौर पे पाकिस्तान का समर्थन के करने कारण से दोस्तों चीन आज पूरे दुनिया में बदनाम हो गया है। और दोस्तों, चीन में कई सारे मुद्दे आ चुका है जो चीन को अब बर्बादी की ओर ले जाएगा। लग रहा है कि चीन आने वाले समय में 3 से 4 हिस्सों में टूट जाएगा। और पहली बार दोस्तों चीन ने इस तरह का बयान दिया है पूरे दुनिया के मीडिया के सामने में, और पूरे दुनिया को चौंका दिया है। दोस्तों, जो चीन आज तक भारत के सामने में आंख मिला के बात करता था, वो पहली बार आंख झुका के बोला है कि हम भारत से मित्रता करना चाहते हैं। जितना भी बॉर्डर इशू हो, जितना भी समस्या हो, जो भी समस्या हो, हम सब सुलझाना चाहते हैं, और भारत मेरा पड़ोसी है, हम उससे मित्रता करना चाहते हैं। तो चलिए हम जानते हैं आखिर चीन के उप विदेश मंत्री लुओ झाओई ने क्या कहा। दोस्तों, लुओ झाओई चीन का विदेश मंत्री है। उसने भारत और चीन के संबंध के लिए एक बहुत बड़ा बयान दिया है। उसने कहा कि भारत और चीन का जो उतार चढ़ाव है उसे खत्म करें, हमारे बीच में जो अजीबोगरीब चक्र चल रहा है उसे भी तोड़ना चाहिए, हमारा सारा विवाद अब खत्म होना चाहिए ताकि आने वाले समय में हम दोनों आगे बढ़ सके। उसने कहा कि भारत और चीन तभी पूरे दुनिया में सुपर पावर बनेगा जब दोनों में दोस्ती होगा, नहीं तो पूरे दुनिया भारत और चीन को एक तरह से पीछे छोड़ देगा और भारत और चीन का फायदा उठाएगा। उसने कहा कि 21वीं सदी भारत और चीन का उदय का समय है, यह बहुत ही महत्वपूर्ण समय है, और इस समय हम लोग आपस में लड़ते रहेंगे तो आने वाले समय में हम लोग कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसीलिए 21वीं सदी में भारत और चीन का उदय होना है तो दोनों देश को आपस में बैठ के बात करना ही होगा, और दोनों देश का रिश्ता सुधारना ही होगा। उसके अलावा दोस्तों, उसने कहा कि एक दूसरे के बीच में विश्वास पक्का नहीं है, उसे जरूरी करना होगा। अब तक हम लोग कई बार बैठक कर चुके हैं लेकिन विश्वास पक्का नहीं हो पाया है, लेकिन अब हम लोग को इसी साल यानी कि मतलब बहुत जल्द, जितना जल्दी हो सके, आपस में विश्वास पक्का करना ही होगा, चाहे उसके लिए जो भी करना हो, और हमारे बीच में जितना भी दूरियां हो, जितना भी प्रॉब्लम हो, सबको ख़त्म करना होगा, चाहे बॉर्डर का इश्यू हो या कुछ भी हो। भारत को अब चीन हर जगह साथ देगा, चाहे इंटरनेशनल में हो, कहीं भी हो, भारत को चीन अब साथ देगा और भारत भी चीन का साथ दे, यानी कि इस तरह का बात चीन के उप विदेश मंत्री ने कहा है। उसने कहा है कि अगर आने वाले समय में भारत और चीन पिछड़ जाता है तो उसका जिम्मेदारी भारत और चीन खुद का होगा, क्योंकि भारत और चीन अपने आप आगे बढ़ रहा है, लेकिन आपस में लड़ने के कारण से दोनों देश अगर पिछड़ता है तो इतिहास कभी माफ नहीं करेगा। इसीलिए दोनों देश को मिलना आज बहुत जरूरी है, नहीं तो आने वाले समय में हमारी पीढ़ी बहुत ही पिछड़ जाएंगे, और भारत और चीन का जो सदी है वो ख़त्म हो जाएगा, और अमेरिका और यूरोपियन कंट्री यही चाहता है। इसीलिए भारत को जितना जल्दी हो और चीन को जितना जल्दी हो अपना समस्या खत्म करना ही होगा। दोस्तों, इस तरह का बयान दिया है। उसके अलावा कई तरह का और बयान दिया है जो मैं आपको बता रहा हूँ। पूरा वीडियो देखिए दोस्तों, ताकि आप लोगों को सब कुछ समझ में आ जाए। अब बहुत सारे मित्र पूछेंगे कि आखिर चीन के उप विदेश मंत्री ने यह बयान कहाँ दिया। दोस्तों, आप लोग को मैं हमेशा कहता हूँ, मेरा न्यूज दोस्तों एकदम परफेक्ट रहता है, और मैं सच्चाई न्यूज बताता हूँ आप लोग को। आप लोग को लगता होगा कि ये फेक न्यूज है, लेकिन दोस्तों आप जाके गूगल करिएगा, समझ में आ जाएगा। दरअसल दोस्तों, 28-29 नवंबर को भारत और चीन के बीच में एक थिंक टैंक फोरम हुआ था, जिसमें उस थिंक टैंक फोरम में यह बयान दिया था चीन की ओर से। आप पूछेंगे भाई कि यह थिंक टैंक फोरम है क्या? दोस्तों, 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजिंग दौरे पर चीन गए हुए थे, जहां पे शी जिनपिंग से बातचीत हुआ था, और दोनों के बीच उसी समय एक बहुत अच्छा फोरम बना जिसका नाम है
थिंक टैंक फोरम, और उसी फोरम दोस्तों हर साल होता है, और उसी के फोरम में यानी कि 28-29 नवंबर को यह बयान दिया गया है। अब आप लोग पूछेंगे कि सर आखिर चीन पे विश्वास करना चाहिए? दोस्तों वैसे तो चीन पे विश्वास कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि चीन ने हमेशा भारत के पीछे छुरा भोंका है, चीन ने हमेशा भारत को धोखा दिया है, इसीलिए विश्वास तो नहीं करना चाहिए। लेकिन दोस्तों वर्तमान समय में कुछ परिस्थिति ऐसा बन चुका है कि चीन का मजबूरी बन चुका है भारत से मित्रता करना, और भारत के साथ जितना भी समस्या है, चाहे बॉर्डर इशू हो या ट्रेड इशू हो, दोस्तों आप तो जानते हैं भारत का बहुत ज़्यादा बॉर्डर इशू चीन से है, और चीन कई बार मतलब भारतीय जमीन को अपना बताता है। चीन ने कई बार अरुणाचल प्रदेश को जो तवांग जिला है उसे कहता है कि मेरा जो है, और कई बार भारतीय बॉर्डर में घुसपैठ करता है। चीन का सैनिक कई बार भारतीय बॉर्डर पे धक्का मुक्की करते रहता है। इन सब के बावजूद दोस्तों भारत को चीन से हर साल 100 बिलियन डॉलर का दोस्तों घाटा हो रहा है, यानी कि भारत और चीन के बीच में दोस्तों 100 बिलियन डॉलर का ट्रेड हो रहा है, जिसमें भारत को कम से कम 80 से 90 बिलियन डॉलर का दोस्तों घाटा हो रहा है। भारत सरकार बहुत ही चिंतित है और चीन को कई बार समझा चुका है कि उस पर आप कुछ एक्शन लीजिए, नहीं तो मुझे लेना पड़ेगा। यानी कि भारत सरकार ने साफ तौर पर कई बार चीन को समझा दिया है कि आप कुछ ना कुछ कीजिए, नहीं तो अगर इस तरह से मेरा घाटा बढ़ता जाए तो हमारा अर्थव्यवस्था खराब हो सकता है। लेकिन चीन हमेशा हाँ में हाँ मिलाता है, बोलता है ठीक है उसमें हम कुछ ध्यान देंगे। लेकिन दोस्तों भारत सरकार ने बहुत कड़ा एक्शन लिया है, अब चीन ने खुद बयान दिया है कि हम भारत के साथ सारा समस्या सुलझाएंगे। तो समझ जाइए बॉर्डर का भी समस्या सुलझाना होगा, उसके अलावा ट्रेड का भी समस्या सुलझाना होगा, उसके अलावा चीन को अब पाकिस्तान का समर्थन छोड़ना होगा, जो बार बार चीन पाकिस्तान का समर्थन करता है, आतंकवादियों को समर्थन करता है, वो भी बंद करना होगा। चीन को अब यूएन में भारत का समर्थन करना होगा, यानी कि भारत दोस्तों यूएन में चाहता है कि अस्थायी सदस्यता प्राप्त करे। दोस्तों आप तो जानते हैं दुनिया में 5 देश है जो यूएन का अस्थायी सदस्य है, और दोस्तों 6ठा देश भारत बनने वाला है, लेकिन पूरे दुनिया के बड़े बड़े देश मतलब उसमें समर्थन देता है, लेकिन दोस्तों चीन ही है जो चीन हमेशा उसमें वीटो पावर लगा देता है और बोलता है कि भारत को हम समर्थन नहीं दे सकते हैं, और भारत के खिलाफ दोस्तों बोलता है। इन सब के अलावा दोस्तों भारत सरकार कई बार चाहता है कि एनएसजी ग्रुप में शामिल हो। दोस्तों एनएसजी ग्रुप है क्या? न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप। एनएसजी में शामिल होने से भारत को फायदा क्या होगा? दोस्तों एनएसजी में जो भी देश शामिल है उसे न्यूक्लियर संबंधित कोई भी समस्या नहीं होता है। कोई भी देश चाहे कि बड़े बड़े पावर प्लांट बैठाए, वहाँ पे दोस्तों यूरेनियम चाहिए, बहुत सारा समस्या होता है जो न्यूक्लियर बम बनाने में होता है, परमाणु बम बनाने में होता है, उसे बहुत दिक्कत होता है, और दोस्तों पावर प्लांट लगाने के लिए बहुत समस्या होता है। और जो देश एनएसजी में शामिल है उसे फ्री में मिल जाता है, कोई टेंशन नहीं होता है, इसीलिए दुनिया के बड़े बड़े देश एनएसजी में शामिल है और उसे पावर प्लांट लगाने में कोई भी दिक्कत नहीं होता है। लेकिन दोस्तों भारत अभी तक एनएसजी में शामिल नहीं है, इसीलिए भारत को कई बार दोस्तों समस्या होता है, और भारत सरकार ने कई बार एनएसजी में शामिल होने के लिए कई बार दोस्तों प्रयास भी किया है, लेकिन चीन हर समय भारत को दोस्तों यानी कि परेशान करता है और भारत के खिलाफ दोस्तों वीटो का यूज करता है। अब यहाँ सवाल यह उठता है कि आखिर चीन भारत के पीछे क्यों झुक गया, चीन का क्या मजबूरी था? दोस्तों चीन का बहुत बड़ा मजबूरी है, और चीन के लिए अभी फिलहाल वर्तमान समय मतलब सबसे खराब दौर कह सकते गुजर रहा है चीन के लिए। चीन में अभी जगह जगह दोस्तों समस्या ही समस्या है, ऊपर से अमेरिका चीन का जीना हराम कर चुका है। दोस्तों आप तो जानते हैं चीन में लगातार 6 महीने से अधिक से दोस्तों यानी कि हांगकांग में लोकतंत्र समर्थन हो रहा है, और कई सारे लोगों का मौत हो चुका है अब तक वहाँ पर सैनिक और लोगों में बराबर दोस्तों हिंसा झड़प हो रहा है, पूरे दुनिया का मीडिया कवरेज कर रहा है, और चीन को लग रहा है कि हांगकांग अब चीन से टूट जाएगा और चीन से अलग बन जाएगा। दोस्तों आप तो जानते हैं हांगकांग चीन के लिए बहुत बड़ा दोस्तों एक समझ कह सकते हैं बहुत बड़ा पैसा का हब है दोस्तों, वहाँ पे मनी का हब है, यानी कि पूरे दुनिया के बड़े बड़े जो कंपनियाँ हैं वो हांगकांग में अपना रजिस्टर कराया हुआ है, और चीन को उसे हर साल कम से कम दोस्तों बिलियन डॉलर फायदा होता है हांगकांग से, यानी कि चीन के लिए दोस्तों सोने का मुर्गी होता है ना, सोने का अंडा देने वाला मुर्गी, वही है हांगकांग, यानी कि चीन के लिए सोने का अंडा देने वाले मुर्गी है हांगकांग। अगर हांगकांग चीन से छीन जाता है तो चीन बर्बाद हो जाएगा। इन सब के अलावा दोस्तों अमेरिका और यूरोपियन यूनियन ने चीन पे तिब्बत मुद्दा पे अलग से मोर्चा खोला हुआ है, और तिब्बत को दोस्तों आज़ाद कराने के लिए अमेरिका अब पूरा ठान चुका है। दोस्तों उसके अलावा दोस्तों चीन को परेशान करने के लिए अमेरिका ने चीन के बिगैर मुसलमान का मुद्दा उठाया है, और
चीन में जो बिगर मुसलमान पे अत्याचार हो रहा है उसके लिए अमेरिका कड़ी से कड़ी प्रतिबंध लगाने वाला है चीन पे। यानी कि चीन आज पूरे दुनिया में बदनाम हो गया है, चीन का थूथू हो रहा है और अमेरिका उसके पीछे हाथ जोड़े पड़े हुए हैं, खासतौर पे हांगकांग मुद्दा, तिब्बत मुद्दा और शिनजियांग प्रांत, यानी कि जहाँ पे बिगर मुसलमान रहता है। दोस्तों ये तीन जगह है चीन का जो तीनों अलग अलग देश बनाने का मांग कर रहा है। आप तो जानते हैं दोस्तों तिब्बत एक अलग देश पहले भी था लेकिन चीन ने उसे जबरदस्ती 1959 में कब्जा कर लिया था। उसके अलावा दोस्तों हांगकांग तो जानते हैं दोस्तों, आज से 20-25 साल पहले तक हांगकांग अंग्रेज के यानी कि हाथ में था, ब्रिटिश के हाथ में था, लेकिन 1992-93 के बाद दोस्तों वहां से ब्रिटिश चला गया और हांगकांग चीन को सौंप दिया था। उसके अलावा दोस्तों बिगर मुसलमान अब पूरा दिन रात ये कर रहा है, वहाँ पर जगह जगह हिंसा कर रहा है, बम फोड़ रहा है, बोल रहा है कि हम अलग देश बनाएंगे शिनजियांग प्रांत को। यानी कि चीन में अब तीन हिस्सा टूटने के कगार पे पहुँच गया है और चीन जानता है अगर भारत से हम दोस्ती नहीं करते हैं तो ये तीनों को टूटने से कोई बचा नहीं सकता है। दोस्तों भारत ने अब तक चीन के किसी भी मुद्दे में दखलअंदाजी नहीं दिया है। आप तो जानते हैं चाहे तिब्बत का मुद्दा हो या फिर हांगकांग मुद्दा हो या फिर बिगर मुसलमान मुद्दा हो, भारत ने अब तक कभी चीन के खिलाफ कहीं कुछ नहीं बोला, लेकिन चीन ने हर समय भारत के खिलाफ जहर उगला है। चाहे कश्मीर मुद्दा हो या कुछ भी हो, हर समय चीन ने भारत के खिलाफ जहर उगला है। अब चीन को डर लग रहा है कि जहां पूरे दुनिया मुझे घेर रहा है, अगर भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र देश, भारत दुनिया का सबसे बड़ा यानी कि युवाओं का देश जहाँ पे दोस्तों युवा सबसे अधिक है, अगर वो देश चीन के खिलाफ बोल देता है तो आने वाले समय में चीन के लिए बुरा दौर शुरू हो जाएगा और चीन सचमुच में 3 से 4 हिस्से में टूट जाएगा। और इसीलिए दोस्तों अब चीन चाहता है कि भारत से किसी भी हालत में दोस्ती करे, नहीं तो चीन की बर्बादी अब तय हो चुका है।